नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगी माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की, जिसे षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे कि षटतिला एकादशी का क्या महत्व है, तो इसे षटतिला एकादशी क्यों कहा जाता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसका दान करना चाहिए जिससे कि हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, सुख शांति हो और जो हमारे उन्नति के रास्ते हैं वो खुले रहें। सब्सक्राइब करें चिको रेसिपीज को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि षटतिला एकादशी का क्या महत्व है। पृथ्वी पर कर्म से ही हमारे पाप और पुण्यों का लेखा जोखा तैयार होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी जीव पृथ्वी पर बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता। तो जाने अनजाने में हमारे से काफ़ी पाप हो जाते हैं, तो उन पापों की मुक्ति के लिए या उन पापों के प्रायश्चित के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि जो आपने जाने अनजाने में जो पाप किए हैं उनकी मुक्ति के लिए या प्रायश्चित के लिए आपको क्या करना चाहिए, उन्हीं में से एक है षटतिला एकादशी का व्रत, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष में आता है। तो षटतिला एकादशी के दिन अगर आप व्रत करते हैं, विधि विधान से व्रत करते हैं, तो आपके जो जाने अनजाने में किए हुए पाप हैं उससे आपको मुक्ति मिलती है और आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होती है और आप जो उन्नति के रास्ते हैं वो खुले रहते हैं। तो फिर जैसा कि नाम है षटतिला एकादशी, षट यानी कि छः, तो षटतिला एकादशी के दिन आपको जो तिल का प्रयोग है वो छः तरीके से करना है। तो जैसे कि सुबह जब आप उठेंगे तो आपको अपने पानी में तिल डालकर स्नान करना है। सफ़ेद तिल डालकर स्नान कर सकते हैं, काले तिल हैं तो वो डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पूजा करनी है अपने विष्णु भगवान की, श्री कृष्ण जी की, जो आपके पास फोटो हो, मूर्ति हो, विग्रह हो, गोपाल जी हो, उनको भी पास में बिठा कर पूजा कर सकते हैं। तो आपको जो जब आप ठाकुर जी के ऊपर पानी का छींटा मारेंगे या उन्हें भी स्नान करवाएंगे तो पानी में तिल डालकर ही आपको ठाकुर जी को छींटे मारने हैं और गोपाल जी को स्नान करवाना है। फिर आपको भोग में भी तिल जरूर देना है, क्योंकि एकादशी का व्रत है, तिल खाया जा सकता है। दान में भी आपको तिल ही देना है, तिल का दान आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तिल का उबटन लगाना है, नहाने में तिल का उपयोग करना है, यानी कि पूरे दिन आपको तिल का उपयोग ही करना है। पूजा में भी, जो हवन भी अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको तिल का दान ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो बात कर लेते हैं दान हमें और क्या क्या करना है। तो आपको एकादशी के दिन, षटतिला एकादशी के दिन जो खास उपाय करना है, आपको एक कलश लेना है। उसके अंदर कलश आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। तो आप कलश के अंदर तिल भरकर दान करें, पहले ठाकुर जी के पास रखें, पूजा करें, फिर उसके बाद आप उस कलश को दान में मंदिर में दे दें, या जो पंडित जी हैं या आप किसी जरूरतमंद को वो तिल का दान करेंगे तो वो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी और जो आपके रुके हुए काम है वो भी बनने लग जाएंगे। तो ये आपको पूजा करनी है। ठाकुर जी को आपको पीले चंदन से उनका श्रृंगार करना है, पीले फूल चढ़ाने हैं, आरती करनी है, उसके बाद आपको करनी है कथा। तो व्रत जो आपका शुरू हो जाएगा वो आपको दशमी तिथि से ही शुरू हो जाएगा। दशमी तिथि को आपको, जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि आपको शाम को अल्पाहार लेना है, यानी कि आपको भोजन कम करना है, लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना है, चावल का सेवन नहीं करना है। अगर आपको भोजन खाना भी पड़ता है तो आपको दिन ढलने से पहले पहले दशमी तिथि को भोजन कर लेना है। और एकादशी को आपको तिल का ही भोजन करना है। अगर आपने मान लो व्रत नहीं भी किया, कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो उनको षटतिला एकादशी के दिन तिल का सेवन ज़्यादा करना है, तिल का दान भी देना ही देना है।
छाते का दान देना है, गर्म कपड़े का दान देना है। दान तो हर किसी को देना है, हर कोई कर भी सकता है, तिल का दान भी कर सकता है, छाता जूता जो आपकी संभव हो सके। अगर व्रत नहीं भी कर रहे तो आपको एक काम करना है, तिल का सेवन करना है, तिल का दान करना है। और दूसरा, जब आप पूरा दिन जैसे पानी पियेंगे तो अपने पानी में थोड़ा थोड़ा तिल डालकर उस पानी को पीना है, तो आपको एकादशी के व्रत का ही पूरा फल मिलेगा। कहते हैं कि जो शर्तिला एकादशी का व्रत करता है, जितना पुण्य हजारों वर्ष तपस्या करने से, कन्यादान करने से या स्वर्ण दान करने से नहीं, अधिक फल शर्तिला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। तो कहते हैं कि शर्तिला एकादशी का व्रत, वैसे तो हर एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये भगवान श्री विष्णु जो कि जगत के पालन करता है उनके लिए किया जाता है, उनका आशीर्वाद पाने के लिए ये व्रत किया जाता है, और जिससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो कृष्ण भक्त होते हैं वो तो वैसे भी एकादशी का व्रत करते ही करते हैं। तो इस बार जो शर्तिला एकादशी है ये स्पेशल खास इसलिए है क्योंकि माघ मास में आई है, और आपको इस एकादशी के दिन शाम को जो तुलसी जी में दिया जलाना है, देसी घी का दिया जलाना है, और आपको तुलसी जी की आरती भी जरूर करनी है। जो तुलसी जी की आरती है वो आपको, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वो किशोरी कृपा जो मेरा चैनल है भजन वाला, उसमें वो आरती हमने गाई हुई है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी पूजा कि आपको कैसे पूजा करनी है। पूजा में आपको तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाने हैं ठाकुर जी को, जो हर बार जरूरी होता है, तुलसी की माला भी पहना सकते हैं, और तिल का भोग हर हाल में आपको लगाना है, और आपको फलाहार ही करना है। जो आपको दान देना है, दान भी आपको दूध तिल या फलाहार वो ही देना है। वैसे कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत है वो बिना नमक का रखा जाता है, लेकिन जब आप किसी से नहीं रह जाता, जैसे बीपी लो हो जाता है, तो आप इस व्रत को नमक वाला भी रख सकते हैं, लेकिन आपको जो भोजन करना है वो फलाहार ही करना है। फिर बात करते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन आपको जो व्रत का पारण कैसे करना है। तो आपको सुबह उठकर ठाकुर जी को पूजा करनी है, आपको फिर तिल का भोग लगाना है, तिल का दान भी देना है, और आपको तिल और काले उड़द से बनी हुई खिचड़ी का भोग ठाकुर जी को लगाना है, दान देना है और खुद को भी खाना है। तो उसकी वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगी। आपको जो खिचड़ी बनाएंगे, काले उड़द की खिचड़ी, उसके अंदर आपको तिल भी जरूर डालने हैं, और अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है, दान देना है, उसके बाद आप खुद खाएं। तो द्वादशी तिथि में अगर आप किसी ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन करवाते हैं तो ये और भी शुभ माना जाता है। तो ये तो था, मैंने आपको द्वादशी का बता दिया। तो आपको इस एकादशी के दिन जो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, कृष्ण भगवान को भोग लगाएंगे, वो काले तिल से बनी हुई चीज का भोग आपको जरूर लगाना है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जब आप माघ मास में कृष्ण भगवान को काले तिल से पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं, तो किन किन ग्रहों से अगर आप पीड़ित हैं तो आपको शांति मिलती है, तो आपको काले तिल का भोग जरूर लगाना है। जैसे काले तिल आप थोड़ा सा भून लें, उसको अंदर गुड़ डालकर आप अपने ठाकुर जी को भोग लगाएं, स्वयं भी ग्रहण करें उस, और उस तिल का दान भी करें। तो शर्तिला एकादशी के व्रत का जो मुहूर्त है वो आपको बता देती हूँ, और जो द्वादशी तिथि को आपको जो पारण करना है उसका जो टाइम है वो बता देती हूँ। तो 20 जनवरी सोमवार को सुबह 2:51 से लेकर 21 जनवरी को सुबह 2:05 तक जो एकादशी है रहेगी। तो जो व्रत के पारण का टाइम होगा, जो व्रत का पारण का दिन होगा, वो होगा 21 जनवरी मंगलवार को सुबह 8 से 9:21 तक रहा होगा। तो आपको 8 से लेकर 9:21 तक जो व्रत का पारण है वो आपको कर लेना है। और अब आपको जो शर्तिला एकादशी की कथा है उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और आपको पूजा के बाद, आपको जब आप एकादशी के दिन पूजा करेंगे तो पूजा के बाद आपको तुलसी माला से एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप की जरूर करनी है। शर्तिला एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्न धन भरे रहते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि होती है, मानसिक शांति मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें,
और आप अपने सुझाव हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देते रहें कि आगे आपको और कौन सी वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।